स्वागत है जी राजस्थान पर आपका। हाँ जी, ये एक स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है शायद इस वक्त अगर आप जी राजस्थान को देख पा रही हो। सवाल ये कि दलाल और खाकी का जो नेटवर्क है वो हमने उजागर किया, एक बेटी को कैसे 8 साल की उम्र में अपहरण किया जाता है, उसको बड़ा करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, 12 साल की उम्र में उसको 16 साल का इंजेक्शन के जरिए किया जाता है और उसके बाद एक दिन में उसके साथ 100-100 लोगों के द्वारा रेप किया जाता है। कहानी बीच में बड़ी है, स्टाम्प पेपर के जरिए उसकी दलाली कर दी जाती है, उसको बेच दिया जाता है, उसके फर्जी आईडी कार्ड वगैरह सब बन जाते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारी खाकी निभाती है उस पर जवाब हम चाहेंगे और चाहेंगे कि आप इस पर क्या कार्रवाई करने की बात कहेंगी, क्योंकि जब लड़की वहां से छूटकर खाकी के पास जाती है, साहब के ऐसे ऐसे बात है, तो पुलिस भी उसे उसी दलदल में ढकेल देती है क्योंकि उसको हफ्ता मिलता है। हमने नाम, हमने चेहरा, हमने हर चीज उजागर की है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगी ममता जी? देखिए, मेरे प्रसंगियान में ये बात आप लोग लाए हैं और मुझे जानकारी मिली है, मैं निश्चित तौर पे अपने अधिकारियों को ताकीद करूंगी इस बात के लिए, उनको निर्देशित करूंगी, उनको डायरेक्शन दूंगी इस बात का, वो लोग इसकी पूरी तहकीकात करें, सच्चाई को सामने लेकर आए और बच्चियों को न्याय मिले, ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ममता जी, हमारे रिपोर्टर ने, हमारी टीम ने जान पर खेलकर इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को किया है। भीलवाड़ा के हनुमान नगर थाने का हेड कांस्टेबल अशोक सोनी, उसकी पूरी तस्वीर हमने उजागर की है नाम के साथ, तस्वीरों के साथ। वो दलाल जो कहता हुआ साफ नजर आ रहा है उसका भी चेहरा हमारे पास है, उसका नाम हमारे पास है, हमने वो भी सबको दिखाया है कि किस तरीके से उसने एक बोली लगा दी कि 22 लाख में लड़कियां बिकती हैं। ये सब हो रहा है, हम वहां तक पहुंच गए, हमारी पुलिस नहीं पहुंच पा रही, क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सरकार पूरी तरह से बच्चियों के साथ है, किसी भी तरह का अन्याय अगर हम लोगों के संज्ञान में आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसमें कोई छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो। बच्चियों के ये जो बातें हैं इनमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। आप ये बात हमारे ध्यान में आई है, निश्चित तौर पर सरकार इस पे कुछ न कुछ कदम उठाएगी और जो पीड़िता है उनको न्याय हम लोग दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ममता जी, क्या हम उम्मीद करें कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद, तस्वीरों के साफ होने के बाद, उस बड़े सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई होगी, ध्वस्त होगा वो दलाल का अड्डा और इन पुलिस वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी ताकि खाकी अपना फर्ज निभाने से पहले दलालों के साथ 100 बार सोचे कि हमारा फर्ज दलालों के साथ नहीं, हमारा फर्ज हमारे हिंदुस्तान की, हमारे प्रदेश की बेटियों के लिए बनता है? देखिए, हम लोगों को गुड गवर्नेंस देने का दृढ़ निश्चय है, मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजस्थान के अंदर हम सेफ एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें बच्चियां अच्छे माहौल के अंदर आगे बढ़ पाए। अगर उस चीज के अंदर किसी भी प्रकार के अधिकारी के साथ कोई कोताही अगर बढ़ती जाएगी तो निश्चित तौर पर सरकार उसके प्रसंज्ञान लेगी, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये बात की मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। ममता जी, हम उम्मीद करें कि जिस अड्डे पर हमारा कैमरा पहुंचा है उस अड्डे पर आपका प्रशासन भी पहुंचेगा, अड्डे को ध्वस्त करेगा। निश्चित तौर पर मैं अपने अधिकारियों को निर्देशित करूंगी, जरूर इसकी तहकीकात की जाएगी। ममता जी, हमारे साथ बनी रही है, मेरा एक हमारे रिपोर्टर है हिमांशु, वो एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसका जवाब दें। हिमांशु, क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा सीधा सवाल ये होगा कि ये एक उदाहरण है, क्योंकि जो गुड़िया हमारे साथ में बैठी हुई है वो तो अपनी पूरी कहानी को बयां कर रही है मैडम, लेकिन ऐसी कई बेटियां वहाँ पर फंसी हुई हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये अजमेर के सावर में नहीं, अजमेर के नापाखेड़ा में नहीं, भीलवाड़ा के इटुंडा में नहीं, बूंदी के रामनगर में नहीं, राजस्थान के कई जिलों में इस तरह के अड्डे चल रहे हैं और सैकड़ों बेटियां इस वक्त इस दलदल में फंसी हुई हैं, जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही हैं। आपसे गुजारिश है, क्योंकि पूरी तरह से जी राजस्थान ने इसका खुलासा किया है मैम, और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब ये हकीकत सामने आने के बाद में एक्शन में आना होगा और निश्चित तौर पर आना होगा, क्योंकि वो जो बेटियां हैं वो फंसी हुई हैं और वो पूरी तरह से दलदल में है, उनका जीवन इस वक्त नर्क के समान है। हिमांशु, ममता जी से संपर्क हमारा टूट गया है, हालांकि उन्होंने जी राजस्थान से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया
कि निश्चित तौर पर ये एक बड़ी भूमिका आपने निभाई है और आपने जो तस्वीरें हमारे सामने रखी हैं हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें लापरवाह होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्री का इस तरीके से हमारे साथ जुड़ना, हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब देना और उस पर उनकी जवाबदेही भी तय कर देना उन प्रशासनिक अधिकारियों की जो कि यहाँ पर लापरवाही में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, सिंडिकेट के नेटवर्क में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये बताता है कि निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई होगी और जो बेटियां दलदल में फंसी हुई हैं वो बाहर निकलेंगी। बाल विकास मंत्री ने यह भी हमसे कहा है कि जो भी पीड़िता है, जो गुड़िया हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसको वो न्याय दिलाएंगी, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरी तरीके से सुशासन देना सरकार का काम है और कहीं कोई चूक बरती जा रही है तो सरकार उसके लिए अहम कदम उठाएगी, वो यहां पर यह भी कहती हुई नजर आई। तमाम सवालों के जवाब भी उन्होंने हमारे साथ बेबाकी से जुट दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरा प्रकरण जी राजस्थान के जरिए हमारे संज्ञान में आया है, आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, पहल की है बेटियों के हक के लिए और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। और इस बीच एक बड़ी